और एसटीएफ सूत्रों के हवाले से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक ने शाइस्ता के शामिल होने की बात भी कबूली है, अपनी पत्नी के शामिल होने की बात कबूल कर ली है अतीक अहमद ने। अतीक ने कहा है कि शाइस्ता को इस पूरे हत्याकांड की जानकारी थी, शाइस्ता नहीं चाहती थी कि असद शामिल हो, लेकिन अतीक ने बड़े बेटों के जेल जाने के बाद साम्राज्य संभालने की जिम्मेदारी असद संभाले, ये बात कही थी शाइस्ता को। अतीक चाहता था इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद असद का नाम हो जाए और असद उसकी गद्दी संभाले जब तक बड़े बेटे अतीक जेल से बाहर नहीं आ जाते। असद के नाम का अतीक अपने तर्ज पर नाम करना चाहता था, यही मकसद था। इसी हत्याकांड की जिम्मेदारी भी असद को दी गई थी। तीसरे नंबर का बेटा है अतीक अहमद के असद, और असद का एनकाउंटर हो चुका है, यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर करके ढेर कर दिया। विपिन, बड़ी जानकारी मिली है कि इस पूरे हत्याकांड की जानकारी अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी थी, जो अभी फरार है। बिल्कुल निधि, देखिए 12 अप्रैल की पूछताछ हो या फिर बीती रात धूमनगंज थाने में जो तमाम एसटीएफ और यूपी पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, उसने लगभग 3 घंटे अतीक अहमद और अशरफ से जो पूछताछ की है उसमें उसने ये कबूला है कि इस पूरे हत्याकांड की जानकारी उसकी पत्नी शाइस्ता को बराबर थी, क्योंकि वो इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर रही थी। जेल के बाहर सबसे सीनियर लोगों में वो थी, अशरफ जेल में, उसके दोनों बेटे बड़े जेल में, वो जेल में। ऐसे में शाइस्ता को जानकारी देना जरूरी था, शाइस्ता को पूरी जानकारी थी, क्योंकि उमेश पाल लगातार उसके खिलाफ बोल रहा था और अतीक का दबदबा कम हो रहा था।